नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टास्क मैनेजमेंट टूल के ऊपर, जो कि बेस्ड है गूगल शीट और ऐप शीट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने एक टूल डिज़ाइन किया है जो बहुत हेल्पफुल है अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आपकी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8-10 लोगों की टीम है, तो इस एप्लीकेशन से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी टीम ज़्यादा बड़ी है तब भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जो एप्लीकेशन के लिमिटेशन है, 10 प्रोटोटाइप तक फ्री होता है, उसके ऊपर चार्जेबल है, तो वो चार्जेस पे करके आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज की वीडियो में ओवरव्यू दूंगा किस तरीके से एप्लीकेशन काम करता है और कौन कौन से फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ इसमें मैंने ऐड कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये टाइम स्टैम्प पे भी आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट है इसका, जहाँ पे हम समझेंगे इसके यूज़र इंटरफेस को कि कैसे दिखाई देने वाला है, कैसे इस पे हम काम करने वाले हैं। तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो एडमिन और दूसरा यूजर पार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एडमिन पार्ट पे। तो ये वाला पार्ट है एडमिन का, यहाँ पे आपको मिलेगा इनसाइट, जहाँ पे टास्क की डिटेल्स मिल जाती हैं। 58% जो टास्क है हाई प्रायोरिटी के टास्क हैं, और इसमें 14% जो कि जिसका नंबर है 29, इतने टास्क आपके लो प्रायोरिटी के हैं, और 28% जहाँ पे 57 टास्क असाइंड है मीडियम लेवल के, मीडियम प्रायोरिटी के टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखने वाला है यहाँ पे एज ए एडमिन। ठीक है, और अगर इनमें से आप किसी में क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर पाते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पे जो टास्क है उसकी पूरी डिटेल। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो सॉर्ट भी कर सकता हूँ किसी भी कॉलम के बेसिस पे, ड्यू डेट, असाइन टू, टास्क आईडी, टास्क डिस्क्रिप्शन, किसी वाइज भी अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ईजी है, और जैसे आपको दिख रहा है ब्राउज़र पर, वैसे ही आपको मोबाइल के एप्लीकेशन पर भी सेम चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है, तो ये वाला है जो टास्क, आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क कितने आपके पास असाइंड हैं, वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और अगर आपको टास्क असाइन करना है तो यहाँ पे प्लस साइन में क्लिक करेंगे, न्यू टास्क का यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाता है टोटल टास्क। हाई प्रायोरिटी टास्क 117 हैं, लो प्रायोरिटी 29 और मीडियम के 57। वो कौन कौन से हैं आप इसमें क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग टास्क हैं उसके प्रायोरिटीज़ हैं, और जिस प्रायोरिटी वाइज अगर आप टास्क ऐड करेंगे तो उसी प्रायोरिटी के हिसाब टास्क आपका ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ऑल को सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी टास्क प्रायोरिटी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप हाई पे क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं तो यहाँ पर हाई ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो के आएगा। इसके बाद जस्ट आपको टास्क डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेस्ट टास्क। ठीक है, और असाइन करते हैं किसी एक पर्सन को, जैसे कि यहाँ पे है, मैं असाइन करता हूँ इसको रमेश को। ठीक है, टेस्ट टास्क का नाम याद रखना आप, और इसका ड्यू डेट रखते हैं 31 का। ठीक है, और इसको करते हैं सेव। जैसे ही आप सेव करोगे, इसके जो टास्क है वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पे असाइन टास्क के अंदर गूगल शीट में। तो ए वाली टास्क आपके ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यूजर को कैसे दिखने वाला है, तो यूज़र का जो इंटरफेस है वो भी यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, इनसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट टास्क पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो टास्क असाइन किया है हाई प्रायोरिटी का था और टेस्ट टास्क था। ठीक है, तो 45 टास्क यहाँ पे दिखा रहा है, देखते हैं यहाँ पे नीचे जाके एक बार इसको सिंक कर लेते हैं, टास्क अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जितने टास्क हमने ऐड किए थे, 45 टास्क पहले था, यहाँ पर एक टास्क ऐड हुआ है, 46 टास्क हो गए। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो नीचे जाके, ये रही। ठीक है, टेस्ट टास्क, जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो इसके पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं, और आप इसको जब अपडेट करते हो सकता है आपका टास्क कंप्लीट हो गया और आप इसे अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे टास्क आईडी, टास्क डिस्क्रिप्शन सारा कुछ पहले ही लिख के आ रहा है। आपको करना क्या है यहाँ पर, अगर आपका जो टास्क है कम्प्लीट हुआ है तो इसमें क्लिक करेंगे, अगर इन प्रोग्रेस है तो सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। हो सकता है आपके टास्क कम्प्लीट होने में और टाइम लग रहा होगा, तो आपको और टाइम चाहिए, तो यहाँ पे रिवीजन में सेलेक्ट करेंगे और एक डेट यहाँ पे ऐड हो जाता है, रिवीजन डेट। इसमें जाके आप नेक्स्ट डेट के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 10 जून तक हो सकता है काम, तो आपने यहाँ पे 10 जून लिखा और यहाँ पे रिमार्क्स लिख दिया,
नेक्स्ट डेट रिक्वायर्ड, ठीक है, और सेव कर दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके गूगल शीट के अंदर सेव होती जाती हैं, इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये थी मेरी टास्क, ठीक है, टेस्ट टास्क यहाँ पे, और आपने यहाँ पे अपडेट किया इसको, नेक्स्ट डेट रिक्वायर्ड और रिविजन डेट ये है। अगर आप इसको मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हो बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है मोबाइल पे, हम उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल लिंक में क्लिक करना है और आपको रीडायरेक्ट करेगा ये सीधा इंस्टॉल करने के लिए। जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड या फिर आईफोन, ठीक है, वहाँ पे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट कर देगा इंस्टॉल करने के लिए। फ़िलहाल मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर रखा है इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखा दे रही है। सजेस्ट कर रहा मुझे प्रीव्यू ऐप इन ब्राउज़र, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे प्ले स्टोर से चाहे ऐप स्टोर से, अगर आपके पास आईफोन है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं उस समय जिस अकाउंट पे, जिस आपके ईमेल अकाउंट पे, चाहे ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, जिसमें आपको एक्सेस दिया गया है उसी अकाउंट से साइन इन करें ताकि आपको सारा एक्सेस मिल जाए, आप उसको एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो हमने देखा स्टार्टिंग में कि किस तरीके से आप टास्क असाइन करते हो, कैसे इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हर किसी अपडेट के साथ क्या मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज आएगा, जैसे कि आपने टास्क रिविजन किया था, रिवाइज किया था, या हो सकता है आप उस रिवाइज को कंप्लीट करें तो क्या दोबारा से कोई अलर्ट आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। ऑल टास्क के अंदर मैंने यहाँ पे आगे कुछ कॉलम और ऐड कर रखे हैं, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे पुट योर व्हाट्सअप नंबर। तो आपको अपने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ऐड करना है। मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे रिप्लेस करना है अपने फ़ोन नंबर को और उस नंबर पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई नया अपडेट होगा, तब कोई नया टास्क असाइन होगा, तब भी एक मैसेज जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूज़र डैशबोर्ड के अंदर, क्या कोई आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है जहाँ पे आप चेक कर पाओ प्रायोरिटी वाइज आपके टास्क की डिटेल्स, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तब। तो जी हाँ, यहाँ पे एक अलग से मैंने शीट ऐड कर रखी है जहाँ पे आपको अपने नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रखोगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा। और जैसे आपने नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रायोरिटी में कितने टास्क हैं, मीडियम प्रायोरिटी में कितने टास्क हैं और लो प्रायोरिटी में कितने टास्क हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी इसकी डिटेल्स मिल जाती है यहीं पे। और तो और एक और इसमें जो मैंने ऐड कर रखा है चीज़ें, वो क्या है, हर दिन में ऑटोमेटिक इसका पीडीएफ बन जाएगा और पीडीएफ बन के यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के साथ साथ जैसे ही यहाँ पे पीडीएफ बन के आएगा, उसके बाद एक व्हाट्सअप मैसेज चला जाएगा जो अपने नंबर यहाँ पे रखा होगा उस पे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रिमाइंडर के तौर पर एक ऑटोमेटिक मैसेज आपको चला जाता है, आप उसको चेक कर सकते हो। इस टाइप के जो टास्क है कंप्लीट आपको दिख जाएगा फिलहाल। तो ये एग्जांपल है, इस टाइप के एक आपको पीडीएफ बन के आ जाएगा डेली बेसिस पे कि कितने टास्क हैं जो आपके पेंडिंग है, उसके साथ में सारा डिटेल्स होगा, टास्क आईडी, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ड्यू डेट, स्टेटस, टाइम स्टैम्प, कंप्लीटेड बाय, रिविजन डेट अगर कोई है तो, और रिमार्क्स। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है डेली बेसिस पे पीडीएफ के फॉर्म पे, ठीक है। इसके अलावा जब भी कुछ अपडेट करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलग से अलर्ट जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने, तो ये मेरा है एडमिन का, ठीक है। एडमिन की जो डैशबोर्ड है यहाँ पे दिख रहा है आपको हर किसी यूजर का, ठीक है। अगर आप किसी यूजर को सेलेक्ट करेंगे तो उसका दिखेगा, दूसरा यूजर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा दिखेगा। तो उस सब के यहाँ पे आपको टास्क दिख रहा होगा और इसके भी पीडीएफ बन के यहाँ पे आपके सेव हो जाएगा डेली पे, और आपको एक अलर्ट आ जाएगा या जिस नंबर को आप सेंड करना चाहें उसको एक अलर्ट चला जाएगा डेली बेसिस पे पीडीएफ में, ठीक है। लुकर स्टूडियो में मैंने एक डैशबोर्ड इसका डिज़ाइन कर रखा है ताकि आपको आसानी हो देखने में डैशबोर्ड को यहाँ पे एज एडमिन, जो आप अगर बिजनेस ओनर हैं स्पेशली, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टास्क 204 थे, पेंडिंग इतने हैं, कंप्लीटेड इतने हैं, रिविज़न इतने टास्क हैं, और उसके एक बढ़िया सा ग्राफ और साथ में उसके एक टेबल। तो ये डैशबोर्ड आपको लुकर स्टूडियो में मिलेगा, लुकर स्टूडियो का एक्सेस। इसका एक और बेनिफिट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको डेली बेसिस पे ट्रिगर कर सकते हो, एक
ईमेल चला जाए, इसको पीडीएफ कन्वर्ट करके एक ईमेल डेली बेसिस पे सेंड कर दे जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे एक ईमेल पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर आप मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या आप चाहें कि हर किसी यूजर के लिए अलग अलग डैशबोर्ड बना दूँ उनके ऑटोमेटिक जाता रहे, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज की वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से आप टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं टास्क असाइन करने के लिए, यूज़र टास्क को कंप्लीट कर सकता है, डैशबोर्ड को देख सकता है, रिमाइंडर उसे मिल जाएगा व्हाट्सएप पे ही, ईमेल पे भी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो ऐप शीट की मदद से, और यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टिंग यूज़ नहीं हुई है। सबसे मज़े की बात यह है, इस ऐप शीट को डिज़ाइन करने में कोई भी स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ ए फंक्शंस बेस्ड है। तो इसी तरीके के अगर आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन करना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस इनके फंक्शनैलिटीज़ वाइज स्टार्ट किया है अपडेट करना, अपलोड करना, ठीक है। तो मेरे जो प्लेलिस्ट है ऐप शीट के, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, सीख सकते हो। इसको बनाने में मैंने कम से कम 8 से 10 दिन लगाया है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कुछ इसमें कमी है, कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो बिल्कुल मुझे लिखें कमेंट में, वो चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है और लेके आऊँ इसके ऊपर, और जो आपने कहा होगा वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये वाली जो एप्लीकेशन है ये पेड बेसिस पे है, इसके लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए डिज़ाइन करके इस तरीके की एप्लीकेशन दे सकता हूँ ऐप शीट पे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।